ईटा और पत्थर तो पहले भी होता था, पर घर घर शौचालय बनाने वाली रानी मिस्त्री नहीं थी। बैंक खाता तो पहले भी होता था, पर बेटी सबका सुकन्या समृद्धि खाता नहीं था। इसीलिए कहते हैं भैया, झारखंड पुकारा, देखो भाजपा दोबारा, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं, भाजपा दोबारा। हमारे साथ गोड्डा जिला के महनामा प्रखंड के भांजपुर पंचायत के मुखिया जी हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी पंचायत की महत्वपूर्ण समस्याएं क्या हैं और इनके पंचायत में 5 सालों में विधायक के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया और इनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया और इनके पंचायत में माननीय विधायक कितने बार लोगों के दुख दर्द को समझने दिया है। आपकी पंचायत की समस्याएं क्या है? मेरे पंचायत की मुख्य समस्याएं हैं, अभी सबसे बड़ा किसानों की समस्या है। किसान का आज के डेट में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण बहुत ही समस्याएं आ रही है। आप जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अधिकांश लोग खेती पर आश्रित होते हैं। अधिकांश नहीं बल्कि 80% लोग खेती पर आश्रित रहते हैं। तो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य जो है किसान हमारा जो यहाँ का है, आज सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण बहुत ही दिक्कत स्थिति में हो रही है। बाकी हमारा विधायक जी ने सभी तरह के कार्यों का सहयोग दिया है, जैसे रोड है या पुल पुलिया है, जहाँ जो चीज़ का ज़रूरत था उस चीज़ को उन्होंने अनुपालन किया है। सबसे बड़ा अभी नहर डिपार्टमेंट से बात भी चली है, उनका कहना है कि बहुत ही जल्द किसानों को सिंचाई की व्यवस्था दी जाएगी। हमारा जो महागामा एरिया है, पूरा एरिया में नहर की पानी किसी भी गांव के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते बहुत ही दिक्कत आ रही है। मूल समस्या अभी है, सबसे बड़ा समस्या पानी की समस्या महत्वपूर्ण जी। इसके अलावा आपके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया? मेरे द्वारा अब तक में प्रधानमंत्री आवास का कार्य किया गया, लगभग 200-250 आवास किया है। शौचालय लगभग 400-500 किया गया है। कुआं 10-12 किया गया है। पशु शेड 38 लगभग किए हुए हैं, लेकिन उसमें से मात्र 9 ही पशु शेड का मटेरियल भुगतान हो पाया है और अभी तक 30 पशु शेड का मटेरियल भुगतान नहीं हुआ है। BCC जहाँ जहाँ जिन जिन गलियों में वित्तीय वर्ष के अनुसार सरकार द्वारा बनाया गया योजनाओं का, जैसे कि कम लागत की योजना, ज़्यादा लागत की योजना, पोर्टिंग फाइनेंस से जो राशि दी जाती है हम लोगों को, उस राशि के अनुसार योजना को लिया जाता है और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग योजना को लेते हैं। तो PCC अभी भी थोड़ा सा बाकी है, लेकिन अंततः हमारा प्रयास है कि हो जाएगा। इसके अलावा पानी के जल मीनार सबसे ज़्यादा लग रहे हैं पंचायत में। जल मीनार अभी मैंने उतना ज़्यादा नहीं लगाया, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि एक जल मीनार से सभी को पानी का समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। एक गांव जैसे भांजपुर गांव है तो वहां की कुल आबादी 10,000 है। 10,000 आबादी में से हम कितने लोगों को जल मीनार दे सकते हैं? इसलिए हम लोगों के पास काफ़ी राशि की कमी होने के कारण सभी जगह, क्योंकि एक जल मीनार 4 लाख का इस्टीमेट तैयार होती है और 4 लाख का इस्टीमेट में हम लोग सभी जगह जल मीनार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि राशि का अभाव होने के कारण बेवर ब्लॉक भी हम लोग को लेना है, सौर ऊर्जा पेयजल संचालित योजना लेना है। उसके बाद हम लोगों को सरकार की ही गाइडलाइन से चिट्ठी है कि आपको ये आवंटन की राशि से 3 प्रकार की योजनाओं को लेना है, तो सभी योजनाओं को धीरे धीरे हम लोग लेते हैं जी। चलिए, जल मीनार से लेके अपने स्तर पे इन्होंने सभी प्रकार के कार्य किए, समस्याएं गंभीर है। लास्ट इनसे एक बात पूछ लें, इनके पंचायत में कौन ऐसी कोई ऐसा गांव है जहां सड़क और बिजली की समस्या, कोई ऐसा गांव है या मोहल्ला जहां सड़क और बिजली की समस्या? जी, मेरे यहां अभी एक लपका बांध है, वहां पर बिजली की समस्या है। उसके बाद बाकी तो लगभग में कार्य पूर्ण हो चुका है। इस बार विधानसभा चुनाव का दिन बजा है और लास्ट चुनाव 2 दिन बाद, क्या माहौल बन रहा है आपके पंचायत?
विधानसभा चुनाव देखिए सबसे बड़ी बात है कि जनता मतलब उस पर ये रूप तैयार करे। पंचायत के एक मुखिया होने के नाते हवा किस तरफ बह रही है? अभी देखिए अभी यहाँ की हवा जो चल रही है जनता कभी मतलब कांग्रेस कभी बीजेपी कभी बीजेपी कभी कांग्रेस इस तरह से अभी मतलब पार्टी में टक्कर जी जी ओवैसी बाबूलाल मरांडी ये सब का अभी तक तो चर्चा में नहीं आ रही है बातें। ये मतलब अभी तक जो मतलब राष्ट्रीय पार्टी है इन्हीं दोनों राष्ट्रीय पार्टी की बातें चल रही है। कभी इन सभी पार्टी को उम्मीदवार आपसे मुलाकात करना? नहीं नहीं अभी जेवीएम के भी नहीं जी नहीं अशु के भी नहीं। माहौल चुनाव का दो राष्ट्रीय पार्टी के बीच की लड़ाई है और किसी न किसी एक राष्ट्रीय पार्टी को ही यहाँ का जनता चुन विधायक बनाकर भेजे। चलिए बने रहिए।